3:10 और मैं प्रण लेता हूँ कि आज मैं इस जैकेट को धो के रहूँगा। और आप लोगों को भी बताता हूँ कि राइडिंग जैकेट राइडिंग पैंट को धोने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी, कैमरामैन आयुष जयपुरी, आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। मजा आ गया कल BMW के शोरूम जाके। यस, इसको धोने के लिए अच्छा वाला डिटर्जेंट चाहिए। रेगुलर घड़ी डिटर्जेंट में नहीं धोना है इसको मेरे को, तो अभी बाहर जाते हैं इजी डिटर्जेंट लेके आते हैं। इजी नाम का एक डिटर्जेंट आता है वो, उसके बाद बाकी का प्रोसेस बताऊंगा। हेलो हितेश जी। सर मेरे बाइक का ना क्लच बहुत टाइट लग रहा है, और जब मैं बाइक चला रहा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि क्लच थोड़ा सा प्रेस है और गाड़ी गर्म भी हो रही है। तो ला सकते हैं क्या अभी? आ जाऊँ? आ जाओ ना। चल पहुंच रहा हूँ 10-15 मिनट में। जी। मस्त लड़का है हितेश अपना। कल के वीडियो में एक भाई इसका लिंक मांग रहे थे, इस बालाक्लावा का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो भी भाई हेलमेट पहनते हैं ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है, इसको पहनने से हेलमेट का गंदगी सर पे नहीं आता है, क्लीन रहता है। जैसे अपन मोजा पहनते हैं ना, मोजा पहनते हैं, अंडरवियर पहनते हैं, बनियान पहनते हैं, वैसे ये भी पहनना चाहिए। कल जो मैं BMW वाला वीडियो बनाया था, थैंक यू सो वेरी मच उसको इतना पसंद करने के लिए। खासकर बी रोल्स के लिए आप लोगों ने बहुत तारीफें की, तो क्रेडिट गोज टू आयुष जयपुरी जी। सारे बी रोल्स वगैरह आयुष जयपुरी जी ने लिए थे, तो थैंक यू वेरी मच। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं BMW वाला, तो जाके देखिए, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। ये जो रेनवे और TVS का शोरूम है मेरे घर से बस 10 मिनट की दूरी पर है। आप लोग बोलते हो कि भैया बाइक अपग्रेड करो बाइक अपग्रेड करो, लेकिन मैं कोई भी बाइक ले लूं तो मेरे को यहाँ पे जो सर्विस मिलती है ना वैसी नहीं मिलेगी। तुलसी भाई नमस्कार साहब, इसीलिए मैं कोई भी दूसरे ब्रांड की बाइक लेने से के लिए हिचकिचा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और अभी ज़रूरत भी नहीं है, इतनी बढ़िया चल रही है वाली बाइक, मस्त क्लच सही है। तो मेरे को डाउट हो रहा है, एक बार चला के देख, मेरे को लग रहा है हीट भी हो रहा है और एकदम टाइट लग रहा है, मेरे को उंगली दर्द कर दिया कल। सही है मेरे हिसाब से। सही है? हाँ। मतलब मेरे को वहम हो रहा था। हाँ। भ्रम हो रहा था। आप कह रहे हैं हाईवे में चला है, अभी क्लच क्लच दब दब की सिटी में चल रहा है। हाँ, बहुत तो आपको लग रहा है। कल चला रहा था रेलवे ट्रैफिक जो जो रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था वहाँ, कारण से लग रहा होगा। सही है ना? मतलब क्लच प्लेट जाएगा ना, इसका प्लग क्लच प्लेट खत्म होगा तो फिर वो स्लीपर क्लच लगा देगा, तो वो तो एकदम लाइट हो जाएगा ना। हाँ। चलो चलाते हैं, जब इसका क्लच प्लेट जलेगा तो इसमें स्लीपर क्लच डालेंगे, तो ये जो क्लच बहुत टाइट है वो समस्या दूर हो जाएगी। हेलो। हाँ ओम, किधर है? किधर है? हाँ अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ मैं, तो वो जो चौक है वहीं पर आ जाऊँ क्या? नीम की पत्ती चाहिए मेरे को बहुत सारी, जो मेरे न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो बोले हैं कि आप वो ले कर रखिए, कुछ काम आएगा, मतलब कुछ स्किन केयर के कुछ काम आने वाला है। तो अभी नीम की पत्ती का जुगाड़ कर रहे हैं इस मुखड़े को खूबसूरत बनाने के लिए। आज कुछ पत्र नहीं दिए हैं। पेटीएम होगा? पेटीएम नहीं होगा। गोलू मैं वॉलेट पकड़ना भूल गया हूँ, नहीं तो तेरे को नारियल पानी पिलाता। गोलू ये वाला जो ब्रिज है ये और बढ़िया ब्रिज है, चंगोरा भाटा वाला ये जो ब्रिज है ना, यहाँ पे ब्रूम ब्रूम करूँ? ये देख कितना मस्त ब्रिज, करूँ? मजा आया? यहीं कहीं मिलेंगे। ओ माय, वाह आज तो कूल डूड बन के घूम रहे एकदम फॉर्मल्स में आज तो। अरे नहीं, वो पेरेंट्स मीटिंग था ना आज, तो वहाँ गया था। ओके, स्कूल गया था। थैंक यू ओम, वेलकम। इतना सारा नीम पत्ती का व्यवस्था करने के लिए, वेलकम सर। चले गोलू, बढ़िया लग रहा है। थैंक यू सर। और एक बार करना है ब्रूम ब्रूम। मजा रख बेटा, अब प्रोसेस चालू करते हैं जैकेट धोने का, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया चालू करते हैं, जिसका पहला स्टेप है कि अपने कपड़े बदलें, कपड़े चेंज,
और जैकेट धोने के लिए बाल्टी भी है। इसके बाद अगला स्टेप है इसकी जेब चेक करना कि इसके जेब में कुछ सामान वामान तो नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, 500 का नोट? हाँ। कितने दिन से पड़ा है यार ये? इमरजेंसी के लिए रखा था शायद। लगता है जब से आए और रखे हो उस दिन से पड़ा ही हुआ है 500 का नोट। लॉटरी लगी है अपनी। ये मैं रख लूँ क्या? चल रखे रह, अभी फिलहाल रखे रह, बाद फिलहाल मैं रख ही लेता हूँ हमेशा के लिए। नेक्स्ट स्टेप है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो गार्ड्स लगे हुए हैं उसको निकालना है और बहुत सावधानी से निकालना है, क्योंकि उसको ज़्यादा दम लगा के निकालेंगे तो फट सकता है ये जो इसका पैकेट है वो। ये बाहर आ गया बैक प्रोटेक्टर, सास टेक कंपनी का है, बढ़िया क्वालिटी का बैक प्रोटेक्टर है। ये है शोल्डर गार्ड, ये चेस्ट प्रोटेक्टर्स, जिस तरह से जैकेट के सारे प्रोटेक्टर्स को निकाले हैं उसी तरह से राइडिंग पैंट के भी प्रोटेक्टर्स निकालना है। हिप प्रोटेक्टर यहाँ को बचाने के लिए, साइड को, यहाँ को, नी गार्ड्स एंड सिन गार्ड्स यहाँ है ना। सारे आर्मर्स निकालने के बाद में जितने भी जिपर्स हैं, जितने भी स्ट्रैप्स हैं, उसको खोल लेना है ये सारे, ताकि अंदर अंदर तक कोने कोने तक सफाई हो सके। एक चीज़ और कर सकते हैं, ये जो एक्सेस डस्ट है उसको किसी सॉफ्ट कपड़े से या फिर ब्रश से हम लोग ऐसा झाड़ भी सकते हैं। इसको पैंट में भी जितने जिपर वगैरह हैं वो सब खोल लेना है। बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है मेरे को आज ये पैंट और जैकेट धोने के लिए। 5-6 दिन से मैं इसको पेंडिंग पे रख दिया था, किसी अपूर्ण काम को पूर्ण करने पे जो खुशी मिलती है ना, क्या बताऊँ। ये मेरे को पहले ही कर लेना था 2-4 दिन पहले, लेकिन इतना डिले कर दिया मैं। अब हम लोग को अपने जैकेट और पैंट को डिटर्जेंट वाले पानी में लगभग 20-25 मिनट तक डुबा के रखना है, और ज़्यादा अच्छा होगा कि गुनगुना पानी हो। ये बाल्टी में गोलू पानी गर्म कर दिया था, तो थैंक यू गोलू, कैमरा मैन गोलू। पूरा एक डाल दूँ क्या गोलू? एक मिनट, एक हो जाएगा पैंट के लिए, एक हो जाएगा इसके लिए, जैकेट के लिए। इसको थोड़ी देर भीगने देते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया बताऊंगा। अगर आप लोगों को प्रक्रिया अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के एक सॉफ्ट ब्रश की। अभी जो ज़्यादा गंदे एरियाज हैं उन पर हम लोग ब्रश चलाएँगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो एरियाज जिसमें रेडियम वगैरह लगा हुआ है उस पर हम लोग ज़्यादा ज़ोर से ब्रश ना चलाएँ। वैसे ज़्यादा ज़ोर से कहीं भी नहीं चलाना है। जैसे जीन्स वगैरह धोते हैं ना उसी तरह से, अब इसके बाद हमें ज़रूरत है साफ पानी में इसको रिंस करने की, और इसको तब तक रिंस करना है, जब तक गंदगी और डिटर्जेंट जो साबुन है वो क्लीन ना हो जाए। फिलहाल ये पैंट को मैं इस पानी में छोड़ देता हूँ, और सेम जैसे मैं ये राइडिंग पैंट को धोया वैसे ही राइडिंग जैकेट को भी धोना है। इस पे भी ब्रश चलाना है हल्के हाथों से, सबसे ज़्यादा गंदा एरिया यही है। ब्रश चला लिया, अब इसको रिंस करना है बस। और जिस समय आप रिंस कर रहे होंगे उस समय इसको उलट भी दीजिएगा, उलट दीजिएगा मतलब इस तरह से पलट दीजिएगा। रिंस करने के बाद में डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं सुखाना है, और क्या है पलट दिए हैं इसको, पलट देंगे तो अगर डायरेक्ट सनलाइट में भी सुखाएंगे तो इसका कलर फेड नहीं होगा। राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट सब धो डाला मैं, और धोने के बाद में इसको ऐसे हैंगर में करके सुखाना है, तार में लटकाना नहीं है उसको, हैंगर में डाल के सुखाना है ऐसे इस तरह से। और इसके बाद अभी मैं मेरे सैडल बैग वगैरह को भी डुबा दिया हूँ धोने के लिए, इसको भी धोऊंगा। इसका कोई प्रोसेस नहीं है, जैसे नॉर्मल बैग धोते हैं उसी तरह से सैडल बैग को भी धोना है,
और जैकेट सूखने के बाद जो लास्ट स्टेप है वो उसके सारे गार्ड्स को सावधानी से उसमें फिर से इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करते समय बिल्कुल हड़बड़ी ना करें क्योंकि उसके जो पैकेट्स होते हैं वो फट सकते हैं ज़्यादा जोर लगाएंगे तो। कल परसों में हेलमेट भी धोना है, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है हेलमेट। हेलमेट धोने का भी एक स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस होता है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं नेक्स्ट या उसके बाद वाले वीडियो में बता दूंगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। अभी मैं जा रहा हूँ मरीन ड्राइव की तरफ, तेली बांधा तालाब। और ये क्या, रायपुर नगर निगम, फिर से मेरा फेवरेट पीडब्ल्यूडी ब्रिज का लाइट बंद है, चालू करो इसको। ये हम लोग पहुंच गए मरीन ड्राइव और ये ट्रैफिक पुलिस वाले अपना ट्रक लेके खड़े हैं, कोई भी गलत पार्किंग दिखी, अगर गलत तरीके से किसी कोई भी पार्क करता है तो तुरंत पुलिस वाले उठा लेंगे उसकी गाड़ी इसमें। और ये है हमारा देसी डाइट, देसी प्रोटीन, आजकल हम लोग देसी डाइट ले रहे हैं, अपन देसी हैं ही, देसी छह। अच्छा, कीटो में जब था ना तो मैं इन सारी चीज़ों को बड़ा मिस कर रहा था। सो आप प्रसन्न हुए मैं कीटो के बाहर? मैं तो बोल रहा तिरुपति राइड में आना था, पूरे तिरुपति राइड में कुछ नहीं खाया, मैं अकेला ही खाया हूँ इडली डोसा, अगली राइड में मैं भी खाऊंगा बिल्कुल। पेटीएम एक्सेप्टेड है इसीलिए दो मूँगफली दाने के पैकेट ले रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? राजू। राजू भाई, ओहो हो, किसी की शादी हो रही है भाई, ये हो रही है शादी हमारे पृथ्वीराज संग पल्लवी। तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, पृथ्वीराज जी और पल्लवी जी, हैप्पी मैरिड लाइफ। और ये बिल्डिंग जो है ना, मैं बहुत दिन से सोचता था कि ये बिल्डिंग क्या है। इस बिल्डिंग का नाम है ऊना, एक रेस्टोरेंट है, हाई क्लास रेस्टोरेंट, एकदम रईस वाला रेस्टोरेंट, कभी जाएंगे वहाँ भी। इस वक्त बज रहे हैं 8:15, मैं जा रहा हूँ घर, घर जाके ज्योति के साथ मेरे को सब्जी भाजी की शॉपिंग करने जाना है। अभी जो मैं देसी डाइट पे आया हूँ तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो लेने हैं, सब्जी भाजी मार्केट 9 बजे तक उठ जाता है इसीलिए मैं हड़बड़ा रहा हूँ। सामने ये जो बाइक जा रही है पल्सर है, इसमें क्या कोड लिखा हुआ है, सॉरी गर्ल्स माई वाइफ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, मैं भी लिखवा लूँगा मेरी बाइक में। अब आर से तन को रखते हैं, आराम देते हैं और चलते हैं जुपिटर में। कौन सा मार्केट ज्योति? 9 बजने में 10 मिनट कम है और एक झोला सब्जी भाजी की, अरे जा भैया, एक झोला सब्जी भाजी की शॉपिंग हो चुकी है, फेस वॉश नहीं मिला है वाला, वो वहाँ पे मिल जाएगा घर के पास। ये कुछ पतंजलि का दिख रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा होगा। पेटीएम कर दूँ भैया? हो गया ना, हाँ। जूस पिएगी? चल पिलाता हूँ, देखते हैं तुम्हारा जूस दुकान खुला है कि बंद हो गया। खुला है, खुला है। दो ग्लास बोलूँ ना? हाँ, दो ग्लास पाइन एप्पल। मेरा कौन सा है जो? बहुत दिन बाद कुछ मीठा टेस्ट कर रहा हूँ। 9:30 हम लोग जूस पी के तैयार। नहीं होता वो। इसीलिए दी है बोतल को। आज बहुत सारा काम हुआ, जैकेट वैकेट भी धुल गया तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया नींद आएगी, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैं कुछ किया हूँ काम। सलीम भाई के साथ में जब मेरी उस दिन बात हो रही थी इंटरव्यू में, तो एक बात वो बोले कि जब हम लोग कोई काम कंप्लीट करते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन वाली खुशी रहती है वो अलग ही लेवल की रहती है। और इसी नोट पे आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट, जय हिंद जय भारत। और 3-4 दिन बाद फिर से ट्रैवलिंग चालू होने वाला है, जो जो मेरा लाइव सेशन मिस कर दिए उनको नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और जो जो देखे हैं वो लोग कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ।